जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया अवती बाई जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां पर आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने जोरदारों का स्वागत भी किया है। उसके बाद ही सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि भारत के पहले महारानी अवती बाई पहले स्वतंत्रता सैनिक थे। उन्होंने अंग्रेजों को डटकर सामना किया है। उनका परपूर्व आपको बता दें कि उन्होंने भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। हमेशा अवती बाई याद में जयंती मनाई जा रही है। हम सब लोग अवती बाई जैसे बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के अंग्रेजों से बचाया है और आपको बता दें कि अपने प्राण भी गंवा दिए हैं। महारानी को आपको बता दें कि हम नमन करते हैं कि देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए इस तरह हमें महान सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवती बाई के नाम से जानते हैं। बैंगलोर के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। महारानी अवंती बाई का जन्मदिन तो 16 को था, लेकिन आज यहाँ पर इटावा में मनाया जा रहा है। मैं सभी आयोजकों को, विशेष रूप से हमारे करण सिंह जी राजपूत और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। महारानी अवंती बाई ने स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया और कई बार अंग्रेजों को वापस किया। ऐसी वीरंगना के चरणों में नमन करता हूँ। हम सबके लिए, देश के लिए उन पर गर्व है और वो हमेशा पूरे देश को प्रेरणा देने का काम करती रहेंगी और हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव काम करते हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन